हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट गैजेट्स टीवी। मेरा नाम है रैन। आज की वीडियो में मैं रियलमी बर्ड्स Q2 नियो की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं। इन ईयरबर्ड्स को मैंने फर्स्ट सेल में ही खरीद लिया था गाइस। ये मुझे 1200 रुपीस में मिले थे फ्लिपकार्ट पर। अभी फिलहाल इसका प्राइस जो है 1600 रुपीस हो चुका है। आने वाले दिनों में इसका प्राइस और भी बढ़ सकता है, क्योंकि गाइस इसका डिमांड जो है मार्केट में काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या ये ईयरबर्ड्स आपको खरीदने चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये ईयरबर्ड्स मेरे पास 3 से 4 दिन पहले ही आ चुके थे। तकरीबन 2 दिन से मैं इन्हें यूज भी कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट रिव्यू दूंगा इन ईयरबर्ड्स के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। इस तरह के बॉक्स पैकिंग में मिले हमें ये ईयरबर्ड्स। इस तरफ इसके बहुत सारे फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे कि इसके अंदर 88 ms सुपर लो लेटेंसी देखने को मिलती है, इंस्टेंट कनेक्शन है, और इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है कॉल्स वगैरह करने के लिए। 20 आवर्स लॉन्ग बैटरी देखने को मिलती है। 10 mm लार्ज बास बूस्ट ड्राइवर भी दिए हुए हैं इसके अंदर। 10 मिनट्स चार्ज करोगे तो ये जो ईयरबर्ड्स है तकरीबन 2 घंटे तक चल जाते हैं बड़ी आराम से, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पर क्लेम किया है। बॉक्स के पीछे इसका प्राइस आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे लिखा है 2499 बोलकर। अभी फ्लिपकार्ट पर 1600 में बिक रहे हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इन ईयरबर्ड्स को खरीद भी सकते हो। तो चलो फटाफट से बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ऑलरेडी मैंने इन्हें यूज किया गाइस 2 दिन तक, तो वापस से एक और बार मैं आपको अनबॉक्स करके बता देता हूँ इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो ये रहा हमारे ईयरबड्स का केस, इसी के अंदर हमें ईयरबड्स भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर है इसकी बहुत ही बड़ी यूज़र मैनुअल। अगर आप फर्स्ट टाइम ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो तो इस यूज़र मैनुअल को आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए गाइस। और यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिलते हैं इस पैकेट के अंदर, और यहाँ पर एक USB केबल भी देखने को मिलता है हमें इन ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इस ये टाइप सी नहीं है, ये है माइक्रो USB केबल। फिलहाल इन चीज़ों को रखता हूँ मैं साइड में। इस तरह के केस में मिलते हैं हमें ये ईयरबड्स, और यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर एक LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, और इस तरफ यहाँ से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। तो ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, और पूरी तरीके से मैट फिनिश में आता है इसका केस। जहाँ तक बात करूँगा इसमें इसके हिंज की क्वालिटी जो है मेरे को बिल्कुल एवरेज लगी। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसे यूज़ करते हो तो ये जो हिंज है लूज़ होने के पूरे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इन बर्ड्स का, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होता है गाइस अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी आपके ईयर्स में लगा के रखते हो। और ये ईयरबड जो है पूरी तरीके से मैग्नेटिक है, अगर आप इसे उल्टा भी करोगे तो देख रहे हो गाइस ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे मेरे को ये ईयरबड। तो चलो अभी फटाफट से इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे मोबाइल से। उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बर्ड्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है मेरे मोबाइल से। यहाँ पे नेम दिखा रहा है रियलमी बर्ड्स Q2 नियो बोलकर। यहाँ पर आप इसका बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हो। अगर आप इसके और भी कुछ ज़्यादा फीचर्स देखना चाहते हो तो इसका एक ऐप भी आता है, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो आपके मोबाइल के अंदर। इसके ऐप का नाम है रियलमी लिंक। ये ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करते हो आपके मोबाइल के अंदर, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा रियलमी बर्ड्स Q2 नियो बोलकर दिखा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेक्ट भी कर लेता है हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर जाने पर और भी बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईयरबड्स के अंदर कितनी चार्जिंग बची हुई है यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हो। लेफ्ट के अंदर 100% है, राइट के अंदर 100% चार्जिंग बची हुई है यहाँ पे पूरी तरीके से दिखा रहा है। साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि बास बूस्ट प्लस है, डायनामिक है, और ब्राइट है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली है गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। और यहाँ पर गेमिंग मोड भी दिया गया है, यहाँ से आप चाहे तो गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो इस ऐप को यूज़ करके। और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मेरे को, इसके अंदर आप चाहे तो इसके जो टच कंट्रोल्स हैं आप पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इतने ढेर सारे फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी टच कंट्रोल्स है राइट ईयरबड के, लेफ्ट ईयरबड के, सारे टच कंट्रोल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जस्ट चेंज करने के लिए इसके ऊपर टैप करना होता है, और पूरी तरीके से इसके टच कंट्रोल जो है आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इस ऐप को यूज करके। जहां तक बात करूंगा इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, मैं इन ईयरबड्स को मैं तकरीबन 2 दिनों से यूज कर रहा हूँ। अगर आप बेस वगैरह कम सुनना पसंद करते हो तो इसके ऐप के अंदर जाकर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो बेस कम करने के लिए। वहां पर आपको जाकर डायनामिक सेलेक्ट करना होता है, वहां से बेस जो है
थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। स्पेशली इसके अंदर मेरे को बेस जो है काफी ज्यादा बढ़िया लगा, काफी थम्पी सा बेस देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ओवरऑल ये जो ईयरबड्स है बेस के मामले में काफी ज्यादा जबरदस्त लगे गाइस मेरे को। जहां तक बात करूंगा इसमें गेमिंग की, इन ईयरबड्स को यूज करके मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक BGMI गेम भी खेली थी। वहां पर मेरे को बस माइनर सा लैग देखने को मिला है क्योंकि इसके अंदर हमें 88 ms की सुपर लो लेटेंसी देखने को मिलती है। अगर आप प्रो लेवल के गेमर हो तो ये ईयरबड्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। जो अभी गेम सीख रहे हैं उनके लिए ईयरबड्स ठीक ठाक से ही चल जाएंगे अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो। जहां तक बात करूंगा इसमें इसकी कॉल क्वालिटी के बारे में, इन्हें यूज करके मैंने अच्छी खासी कॉलिंग वगैरह भी की है और इसके अंदर ENC हमें देखने को मिलता है यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन काफी बढ़िया तरीके से काम कर लेता है। सामने वाले को आपकी आवाज जो है काफी क्लियरली सुनाई भी देती है अगर आप इन्हें यूज करके कॉल्स वगैरह करते हो। जहां तक बात करूंगा इसमें इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में, एक बर्ड के अंदर हमें 40 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। टोटल दोनों ईयरबड्स मिलाकर 80 mAh की बैटरी हो गई है। इस केस के अंदर हमें 400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये जो केस है टोटल 2 आवर्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। और ये जो केस है फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, अगर आप इन ईयरबड्स को 10 मिनट्स तक चार्ज करते हो तो आप टोटल 2 आवर्स तक कंटिन्यूअस म्यूजिक सुन सकते हो। इन बर्ड्स की अगर मैं आपको प्रोज गिनाऊं तो गाइस काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है, जैसे कि इसकी बैटरी काफी अच्छी देखने को मिलती है। जस्ट आप इसे 10 मिनट्स तक चार्ज करोगे तो 2 आवर्स तक इन्हें आप आराम से यूज कर सकते हो। और गेमिंग के लिए तो 88 ms की सुपर लो लेटेंसी देखने को हमें मिल रही है इन ईयरबड्स के अंदर। काफी ज्यादा हल्के फुल्के हैं, अगर आप इन्हें ईयर्स में लगाते हो लॉन्ग टाइम तक भी तो आपको बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा कि आपने ईयरबड्स वगैरह पहन के रखे हैं। साउंड की भी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, बेस मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, एकदम थम्पी सा बेस देखने को मिलता है। इसके अगर एक्स्ट्रा फीचर्स मैं आपको बताऊं तो ऐप मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया गाइस। उस ऐप के अंदर आप इसके सारे टच कंट्रोल जो है पूरी तरीके से कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को ईयरबड जो है काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इन ईयरबड्स को खरीद भी सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।